أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال عز وجل في مقام آخر स्म फ़ी अयलू मोहतरम नादरीन वामक वरमि वरक आज का जो हमारा मौजू है असर जिल असर अशर जा के अमाल व इबादत माह जम इस्लामी तारीख़ का इस्लामी साल का यह आखिरी जो है महीना है जिसकी कुरान मजीद में और अहादी से मुबारक में बड़ी फजीलत आई सुर फजर की इब्तई आयतों में अल्लाह ने कहा वल फजरी वालज्री वलियािन कसम है फजर की और दस रातों की तर्जुमानकुरानब्रम अब्दुल्ला बिन अब्बास रतुमा फरमाते हैं कि इन दस रातों से मुराद ज़िलहजा की इब्तदाई दस दिन हैं अल्लाह इबन कसर रहमत लाई ने अपनी मशहूर किताब तब सीबन कसीर में इसको नकल किया है देखिए अल्लाह ताली जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं और अल्लाह के लिए जायज़ है कि अल्लाह अपने मख़लूकात में से जिसकी भी चाहें कसम खा सकते हैं लेकिन बंदों के लिए जायज़ नहीं है सिवाय इसके किल्ह के नाम उसके सिफ़ात की हम कसम खाएँ तो अल्लाह ताली जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो इस जानब इशारा होता है कि ये चीज़ जिसकी कसम खाई जा रही है बड़ी बड़ी अजीम है और बड़ी जो है अहमियत के हामिल ये चीज़ है और इसी तरह एक रिवायत में अल्लाह के नबी नबीम ने सही सही हब्बान की अलामालवानी और रमतल ने इसको सही सहीजामे में जिक्र किया है अफजलयाम कि दुनिया के दुनिया के सबसे अदीम दिन सबसे अदीम दिन जो हैं अशर दिल्जा के दस दिन और जैसा कि आपने इससे पहले के दरस में आपने सुना इब्ने हजर अलैहि ने बारी में इसका सबब जिक्र किया कहाँ फ़रमाते हैं सबब इजमा तिलबादाफ़ी वहीसिया सदा वहज वल काफ़ी आप कहते हैं कि इन इन दस दिनों को इतनी बड़ी अहमियत क्यों हासिल है इसका सबब बताते हुए कहते हैं कि इसमें कई अजीम इबादतें इकट्ठा हो जाती हैं जमा हो जाती हैं नमाज रोज़ा सदक़ा व खैरात और हज जैसी अजीम इबादत और इनके अलावा साल के बकिया दिनों में ये अजीम इबादतें इकट्ठा नहीं होती तो मरकज़ी इबादत यहाँ जमा होती हैं तो आइए हम असल मौदू पर आते हैं कि इन दिनों में वो कौन सी इबादत हैं वो कौन से अमाल हैं जिसकी पाबंदी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और आपके प्यारे सहाबा इकराम सहबियात मोमिनीन और अल्लाह के नेक बंदे करते हैं हम वो मालूम करते हैं और हम पूरी कोशिश करें इस नीयत से सुने कि हम भी जो है इस पर अमल परा होंगे यादीम दिन हैं तो सबसे पहली चीज़ देखिए हर किस्म की नेकी हर किस्म की इबादत चाहे वो ज़बानी हो जबान से अदा की जाने वाली हो या दिल से जो है अदा की जाने वाली हो अल्लाह का ज़िक्र है अल्लाह का डर और ख़ौफ़ है इसी तरह इल्मी चीज़ें जो भी हम सीखते हैं उसको दूसरों तक तो पहुंचाएं कुछ लिखकर कुछ कह कर इसी तरह जिस्मानी इबादत हैं तो देखिए फ़र्द इबादत के अलावा नफिल इबादत की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें फ़र्द नमाजों के अलावा सन्त मौदा दिन में जो बारह रकात हैं सन्नत मौदा जो कहलाते हैं जिनकी पाबंदी पर जन्नत में घर तामीर किया जाता है उसकी पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की हम इब, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाजें पढ़ें ख़ास तौर से तहजद की नमाज़ वितर की नमाज़ की पाबंदी करें और तहजद का वक्त इशा के बाद से जो है शुरू हो जाता है कम से कम अगर जिसकी आदत नहीं रात में अफज़ल वक्त यही है कि आखिरी वक्त में आखिरी वन थर्ड हिस्से में जो है उठ कर हम नमाज़ पढ़ें अफजल हो बेहतर हैं इसमें ज़्यादा अजर ववाब हैं इसकी हम पूरी कोशिश करें अगर किसी की आदत नहीं है तो जो है सोने से पहले दो रकात पढ़ के सो जाएं कम से कम दो रकात ज़्यादा से ज़्यादा आठ रकात वितर के साथ ग्यारह रकात जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे या अफजल इबादत हैं अल्लाह का तकर हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया हैं, जिसमानी रूहानी बीमारियों का इलाज का बेहतरीन ज़रिया हैं। आज जो वबाएँ फैली हैं इन दिनों में जो है तहजद की नमाज़ पढ़ के देखी अल्लाह ताली जो है जिसमानी रूहानी बीमारियों से हमें नजात देगा बहुत सारी ये हम हमसे पहले असलाफ की सुनत रही है फ़ैनदा अबू अल्लाह के नबी सासु ने कहा तुम से पहले जो अल्लाह के जो नेक बंदे थे रात में उठ कर और रात के भी जो है दिन के गाजी थे और रात के जो हैं तहाजद गुजार थे रातों में जागते थे दिन में भी अल्लाह की इबादत करने वाले थे तो हम थोड़ा सो जाएँ सुन्नत है सो के उठ के जो है अल्लाह की इबादत करना ये तहजद कहलाता है इसकी पाबंदी इसी तरह इशराक़ की नमाज़ अगर कोई अल्लाह के नबी सा फरमाया सुन तिरमिदी की रिवायत है कोई फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहें जिक्र करें तिलावत करें अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें यहाँ तक कि सूरज निकल जाए एक नेज़े के बराबर हो जाएँ तो दो रकात नफिल पढ़ें जो इशराक़ की नमाज़ कहलाती हैं अल्लाह के नबी सास ने उसकी स, उसकी आ, उसकी जो फ़दीलत बता दी वह कहा का अजरी हजन ताम मतिन ताम मतिन ताम मतिन तीन मरतबा अल्लाह के नबी सास ने फरमाया सुल तिरमिली के रिवायत है कि मुकम्मल हज दूसरी रिवायत में है कि मुकम्मल उम्रे का सवाबल्ला पर हमें से आज कितने हैं जिनको अब तक जो है हज की जिनको मिली है शादत अल्लाह उनके हज को कबूल फ़रमाएं कितने ऐसे हम में से आज भी हैं जिनको हज उम्रे की शादत हासिल नहीं हुई अल्लाह आपको शादत नसी फरमाएं ये देखिए छोटा सा अमल है एक घंटा सवा घंटे का वक्त होता है रोज़ाना अगर हम पाबंदी खास हो ये लॉकडाउन के दिन हैं आसानी से हम लोग ख़वान घरों में और मर्द हज़रा खासतौर से मस्जिद में जो है इसकी पाबंदी करें बैठ के सूरज निकलने के बाद दो रकात पढ़ लें मुकम्मल हज मुकम्मल उम्रे का जो है सवाब हम हासिल कर सकते हैं गर से अख्तिला है कि घर में खुवान पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगी लेकिन लॉकडाउन के अयाम है हम जमात से पढ़ रहे हैं मर्द भी पढ़ रहे हैं औरतें भी तो आप इसमें शामिल हो जाएंगी इख्लाफ से बच जाएँगी अजर हासिल कर सकती हैं पाबंदी करें जब सूरज मुकम्मल जो है और रोशनी जब बढ़ जाती है चाश की नमाज़ सलात उदुहा ये एक ही नमाज है इशराक़ की नमाज चाश की नमाज़ अवाबीन एक ही नमाज साल फ़ौदान डॉक्टर साल फौदान हफीजाला सऊदी अरबिया के मशहूर आलिम हैं, बड़े आलिम की बारा में शामिल हैं आपने लिखा है कि एक ही नमाज के तीन नाम हैं अगर फ़जर के बाद तुलु शम्स के बाद सूरज निकलने के बाद फ़ौन अदा करें ये इशराक़ की नमाज़ कहलाती हैं और अगर गर्मी जब शिद्दत बढ़ जाती है तकरीबा दस बजे ग्यारह बजे उस वक्त आप पढ़ते हैं चाश की नमाज़ कहलाती है जुहा अरबी में कहते हैं अगर जवाल के बिल्कुल खरीब करीब आप पढ़ते हैं क्योंकि इसका वक्त जवाल तक रहता है तो ये सलात अलाउीन कहलाती हैं इसकी ज़िया कम से कम दो रकात, ज़्यादा से ज़्यादा आठ रकात हैं इसकी कोशिश करें मुकम्मल हज मुकम्मल उम्रे का बिलखसूस मैंने कहा जिसको हज उम्रे की शादत अल्लाह आपको शादत नसीब फ़रमाएं जिसको अब तक हासिल नहीं हुई आप कोशिश करके हासिल कर सकते हैं इसी तरह दीगर जो नवाफिल हैं उसकी पाबंदी हम करें असर से पहले चार अरक़ अल्लाह के नबी से पढ़ते थे मग़रब की नमाज़ से पहले जो हैं दो रक़त पढ़ना अल्लाह के नबी से आसमित है इसकी भी पाबंदी करें इसी तरह दस रातों का क़ियाम करें दस रातों का मुकम्मल क़्याम करने की कोशिश करें जैसे हम रमज़ान के आखिरी यही देखिए उलमा में इख्तलाफ हैं कि रमज़ान के आखिरी दस दिन और दस रातें अफजल हैं याजर लजा के दिन जो है अफजल हैं शेखुल इस्लाम शेख उमिन रहमतुल्लाह रि ने कहा कि रातों में देखें तो शब ख़दर की तलाश में जो पांच ताख रातें और ख़ास तौर तो से आखिरी दस रातें रमज़ान की सबसे अफज़ल हैं रातों में और दिनों में जो है सबसे ज़्यादा फजीलत अशर जिलजा इस महीने के जो जान दिनों को हासिल है तो हम पूरी कोशिश करें इन दिनों में ज़्यादा जिया से ज्यादा कसरत से इबादत आगे भी जिक्र करूँगा शेख ने भी जो है इशारा किया था नफिल रोज़े देखिए इसी तरह एक अदीम इबादत नफिल रोज़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाई नौ दिन मुसलसल जो है रोज़े की पाबंदी करते थे रोज़े रखा करते थे क्योंकि दसवां दिन ईद का दिन होता है ईद के दिन रोज़ा रखना मना है आयशा आयशर उदी तक की रवायत का ना रसूल सासम यसु मतीसा जिलह आशूरा वललाया मिनकुल शाहरन सुन नबी दाऊद की रिवायत जिसमें अलफात अल्लाह के नबी सा आसन नौ जिलजा के नौ दिन इब्तायी दिन अल्लाह के नबी सा आसन रौदा रखते थे आशूरा का रोज़ा रखते थे हर महीना तीन रोज़े यानि अयाम बीस के इसी तरह आगे पीर और जुमेरात का ज़िक्र आया है रिवायत में इसी तरह अरफा के दिन का रौदा अजीम रौदा है अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा जो है एहसान है बंदों पर और जिसके बदले में अबूत रौदील्ला तो की हदीस में अल्ला के नबी सासुन ने कहा अहतसीब्लाफिर सनाती कबल कि मैं के अल्लाह से अजर उम्मीद अजर षवाब की उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस एक दिन के रोज़े के बदले अरफ़ा के दिन के रोज़े के बदले नौजिल हिजा के रोज़े के बदले अल्लाह ते एक साल पहले और एक साल बाद दो साल के गुनाहों को जो अल्लाह ताली माफ़ फरमाएगा और इसे मुराद जो है सगीरा गुना छोटे छोटे गुनाह हमारे धुल जाएँगे माफ़ कर दिए जाएंगे एक रोज़े के बदले हमें सबको कोशिश करना चाहिए हमें सब को सबके सब लिए ज़रूरी बनता है ख़ास तौर से जो है इन दिनों में हम गुनहगार हैं ख़ताकार हैं हमने अल्लाह को बहुत नाराज़ किया है कसरत से इबादत करें जुड़ जाएँ और पूरे नौ दिन रोज़ा रखने की कोशिश करें जिसको भी अल्लाह ने ताकत दी खास तौर से पीर जमेरात का रोज़ा रखें अरफा का रोज़ा ना छोड़ें किसी सूरत में इल्ला है कि कोई बीमारी अल्लाह सबको शिफा दें बलाओं से हिफाजत फरमाए अगर कोई बीमार हो या सफ़र पर हो कोई मजबूरी हो अल्लाह तला नीयत को कर लें अल्लाह ताल बराबर अजर षवाब नवा से नवाजेगा तो ये मुबारक दिन है अरफा का दिन तो अजीम दिन है जिस दिन अल्लाह ताली हजाज कराम जो जमा होते हैं अरफा के मैदान में दूर दराज इलाक़ों से आते हैं अल्लाह ताली फ़रिश्तों अल्लाह जानता है बंदों के बारे में फिर भी फ़्र करते हैं फ़रिश्तों से अल्लाह ताली सवाल करते हैं अल्लाह ताली पूछते हैं बंदे दुनिया के मुख्तलि किनारों से यहाँ क्यों जमा हैं आखिर फिर अल्लाह ताली कहते हैं फ़रिश तो तुम गवा रहना मैंने इन तमाम की जो है मगफ़रत फ़रई इस साल जो हज की नीयत किए थे दुनिया के मुख्तलिफलाक़ों से लेकिन नहीं जा सकें आप नीयत खालिश अगर हैं इन श्ल अल्लाह ताली आपको अजर का हज का जो है मुकम्मल वाब अल्लाह ताली लिख देगा जिन्होंने उम्रा करने की नीयत की थी इन नमालबिनियत अल्लाह ताली नीयतों के बदलें अल्लाह ताली हम पूरी कोशिश करें उसके लिए तो कोशिश करते हैं नीयत करते हैं तो अल्लाह ताली मुकम्मल अजर वब लिख देते हैं इसी तरह देखिए एक एक अज़ीम इबादत कसरत से अल्लाह रबालमीन का जिक्र करना है शुरू में जो आयत करीमा मैंने पढ़ी सुर हज की वोज़ कुरुषमल फ़ी अम मालूम अयाम मालूम में, में बंदों को चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करें इससे मुराद बिन अब्बास रौदी अल्लाह तुम कहते हैं कि इससे मुराद ज़िलहिजा के जो है ये दस दिन हैं इसी तरह एक और रिवायत बिन अब्बास रौद अल्लाह तुमा से जो मरवी है एक रिवायत जिसमें अल्लाह के नबी नबीम ने इन दिनों की फजीलत को आपने बताया और कहा फाअ से रूफ़ी हिन्त तस्बी व तकबीर व व तहलील ये तबरानी की रिवायत है सही रिवायत अल्लाह के नबी सा ने कहा कि इन दिनों में कसरत से अल्लाह की तस्वीर अल्लाह की पाकि बयान करो अल्लाह की तकबीर अल्लाह अकबर कहो सुबहान अल्लाह कहो अल्लाह कसरत से पढ़ा करो और ज़िक्र के सिलसिले में आप जानते हैं कुरान में बहुत सारी आयतें हैं सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा फ़ैदा अफ़त फहीदाफुमन आरफात फ़ुरमशर हराम जब अरफा से मुजलिफा की तरफ कूच करते हैं हज उजाज कराम सुबह फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद मशर हराम में अल्लाह का जिक्र करने का अल्लाह ने हुक्म दिया इसी तरह कहा फ़ैदा ख़दई तुम मनासिकुम जब हज के पूरे मुकम्मल मनासिक अदा हो जाए अल्लाह ने कहा फर्ज करुल्लाह का जिक्र कुमा अबा कुमरा के अरब के लोग जो हैं खुरेश के लोग कबीले खुरेश के लोग खासतौर से अपने आबो अजदाद का जो है बहुत उनकी याद उनकी उनको याद करते थे कसर अल्लाह ने कहा तुम अपने आबो अजद से भी ज़्यादा कसरत से अल्लाह का जिक्र करो इसका और बहुत सारे आयतें सूर हज में भी अल्लाह ने फरमाया इसी तरह सूर हज की आयत नंबर तिरसठ में भी अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया कसरत से अल्लाह का जिक्र करें कसरत से जो है अल्लाह का जिक्र करें खास तौर से कुछ असकार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं जिनकी काफ़ी फजीलत आई हैं इन दिनों में जो है और हमें मकाम मिलेगा अजर सवाब मिलेगा उन असकार की पाबंदी करें सुबहान अल्लाहमदही सुबहानल्लादीम ये दो कलमें ऐसे हैं सही बुखारी की आखिरी रिवायत, पहली रिवायत इन नमालबिनियात आखिरी रिवायत अबोर रदी अल्लाह तौं से मरवी हैं दो कलमें ऐसे ज़बान पर हल्के हैं अल्लाह को बहुत बहुत महबूब हैं और जिनका मीज़ान में सबसे भारी होंगे सुबहान अल्लामदे सुबहान अल्लादीम इसी तरह सुबहान अल्लादीम अबी हमदेही एक मरतबा पढ़ते हैं जन्नत में जो है खजूर का दरख्त लगाया जाता है जितने बार पढ़ेंगे उतने खजूर के दरख्त हमारे हिस्से में लगाए जाएंगे इसी तरह सुबहानल्ह बहमदही अदलकी और इीदा नफ़ से ही और जीनात आरसी ही ओमिदादलिमती ही, ही, ही ये बहुत अदीम जिक्र हैं उमामिन जवैरिया बिन तारी सरदी अल्लाह तक एक मरतबा फिर इशारा करके आगे बढ़ूँ के फज्र की नमाज़ के बाद, बाद बैठ के मुसलसल कई घंटे आपने जिक्र किया तस्वी बयान की तिलावत की अल्लाह के नबी कुछ काम के लिए घर से बाहर गए थे वो वापस आए तो देखते हैं कि बराबर उसी जगह पर बैठी हैं जिक्र में मशगोल हैं तिलावत में पूछा उसी तरह बैठी हूँ जब मैं घर से बाहर गया था तो कहा कि हाँ कहा कि मैं यहाँ से जाने के बाद मैंने तीन मरतबा कुछ कलिमात मैंने कहे हैं वो तुम्हारे इस इन घंटे चंद घंटे जो तुम यहाँ इबादत के लिए बैठी हो उससे अफज़ल हैं उससे जो हैं अफजल हैं फिर आपने ये कलिमात उनको सिखाए सुबहानल्ला बहंद ही अदलकी हीदा नफ्स व वनत अरशी ही उमीदाद कलीमत इन कलिमात को कसरत से हम पढ़ें और सुबह की दुआओं में शामिल है तीन मरतबा इसको पढ़ना है इसी तरह ला हौला वला इल्ला लूत अबिल् कनजुमिनकनोजिलजन्ना जन्नत के ख़दानों में शामिल है खुवातिन हमारे साथ अक्सर जो है आज के दरस में खुवात भी हैं तो खुवान के लिए बहुत बड़ा जो है आफ़र जन्नत का ख़जाना अकबर दुनिया के तमाम ख़जाने भी अगर हम जमा करें जन्नत का अदना खजाना छोटा सा ख़जाना इसका मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के पूरे ख़जाने जन्नत के छोटे खजाने का मुकाबला नहीं कर सकते अज खवा को कितनी ख्वाहिश होती है जेवर पास हो, निकले उनके पास हों निकलेस उनके पास हों सोने के कंगन हों और मुख्तलिफ़ चीज़ें जेवरात लाला कवत अल्लाह बिल्ला पढ़ें बारहा पढ़ें जन्नत का ख़जाना हमें नसीब होगा इतना अजर सवाब हमें मिलेगा इसी तरह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्ला अकबर चाहे आप ये तरतीब से कहें या आप ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में कहें अल्लाह आखिर में कहें या शुरू में ये चार कलिमात हैं अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर इनको बाख़ियात तो और सालिहात कहा बाखी रहने वाले अजरु सवाब के हिसाब से बाकी रहने वाले कलीमात हैं और सूरज पूरी दुनिया से बेहतर हैं सूरज जहाँ भी तुल् होता है उन, उन तमाम चीज़ों से बेहतर हैं कि हमें चार कलीमत अदा करें इसी तरह सिर्फ सुबहान अल्लाह कहना ज़मीन व आसमान को जो है नेकियों से भर देता है अल्लाह अकबर इस तरह के जो भी असकार अल्लाह के नबी साबित हैं उसकी पाबंदी करें इन दिनों की अज़ीम इबादत जिक्र हैं तकबीरत बुलंद करना है दस दिनों में जो हैं हम जब से चार नज़र आ जाए ज़िलहिजा का हम तकबीरात शुरू करें उठे बैठे पढ़ें बिलखसूस अरफा के दिन फजर की नमाज़ अदा करने से लेकर तेरा ज़िलहिजा की असर की नमाज तक जो है ये असक तकबीरा जो है बुलंद करना है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लकबर अल्ला अकबर वलिल्लाहमद इसी तरह देखिए अदीम इबादत जो हमें करना है तिलावत क़ुरान क़ुरान से अपने रिश्ते को जोड़ना है अल्लाह का कलम हिदायत है जिसमें तमाम हदल लिनास हृदल ललमुतीन तमाम लोगों के लिए हिदायत हैं बिलखसूस अल्लाह के नेक बंदों के लिए जो फिक्र करते हैं कुरान में हर कस्म की बीमारी की शिफा कुरान में अल्लाह ने रखी हैं कुरान को पढ़ें पूरी कोशिश करें कुरान को एक मरतबा कम से कम ख़त्म करें क्या बिलखसूस जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ सकते मशगूल हों अपने कामों में खुवात बिलखसूस तो हम कोशिश करें कि वो सूरतें और वो आयतें जिनकी काफ़ी फ़दीलत आई सुर बकरान सूर मुल्क इस तरह जो सूरतों जिसकी काफ़ी फदीलत आई सुर अखलास सलूस कुरान वन थर्ड कुरान अल्लाह अकबर सलोस कुरान की फ़दीलत है वन थर्ड कुरान पढ़ने के बराबर है आज और में इन सूरतों को पढ़ें आयतलकुरसी हैं सुरह बकर के आखिरी दो आयतें हैं इस तरह और जो जिन आयतों की फ़दीलत आई हैं उन आयतों को पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की हम पूरी कोशिश करें इसी तरह देखिए एक अदीम इबादत जैसे मैंने इशारा किया शुरू में हज बैतुल्ला हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से और इसी तरह इस वबा के फैलने की वजह से सऊदी अरबिया ने जो कदम उठाया है और मुनिफिफाना फैसला किया है लोगों की जान को बचाने के हक़ में बहुत ही बेहतर जो है उनका फ़ैसला है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए हर शर से हर फितने से तमाम मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए लेकिन हज तो बंद नहीं हुआ है लेकिन महदूद महदूद तरीक़े से जो है उसकी इजाज़त दी गई महदूद तरीक़े से जो है उसकी इजाज़त दी गई तो यहाँ पर आ, हज बैतुल्ला भी जो एक इबादत है एक अदीम इबादत इन इनया में जो है आ, इसको अदा करना है जिसको भी मैसर अल्लाह ताला सबकी हिफाज़त फरमाएँ और सबके लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए जी इसी तरह इन दिनों की एक अदीम इबादत एक अदीम इबादत कुर्बानी और कुर्बानी याद रखें अल्लाह रब्बुल रब्लम का तकरब हासिल करने अल्लाह की खुशनुदी अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने का बेहतरीन जो है ज़रिया है कुर्बानी और ये मुस्तिल इबादत हैं ये मुस्तिल इबादत है इसका कोई बदल नहीं कुर्बानी के बदले में हम नमाज़ पढ़ें कुर्बानी के बदले में हम सदक़ा करें ये नाकाफ़ी है ये इससे क़ुरबानी अदा करना लाजम नहीं आता कुरबानी इबादत है कुर्बानी ही देना है अगर कुर्बानी नहीं दे सकते ख़ास तौर से आज लॉकडाउन के अयाम में अगर जिसम के लिए जानवर ज़बा करना जानवर को ख़रीदना लाना उसके इंतजाम मुश्किल हैं तो उनको चाहिए कि वो कुर्बानी ना दें नहीं दे सकते मजबूरी हैं परेशानी हैं या तो पैसे नहीं हैं या जानवर लाने के सिलसिले में सहूलियात नहीं हैं उसको ज़बा करना उसको रखना काफ़ी मसाइल पेश आते हैं अगर ये सहूलियात नहीं हैं तो हमसे ये फरीदा जो है साखित हो जाएगा और अल्लाह के नबी सासुन ने इस पर काफ़ी उभारा है हमें पूरी कोशिश करना चाहिए जिसको अल्लाह ने ताकत दी है मनकान अलहसन फ़लायरबन मुसलाना इस ने अपने माजा की हसन दर्जे की रिवायत अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने ताकत दी है और वो क़ुरबानी ना करे तो हमारे ईदगाह के करीब ना आए ईदगाह के करीब अल्लाह के नबी सास ने इतना ज़ोर दिया है तो जिसको भी अल्लाह ने ताकत दी है कर्बानी देने की पूरी कोशिश करें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाएं, आमीन और यादीम इबादत अंजाम देने की उसके आजर सवाब को पाने की अल्लाह तोफ़ी दें आमीन तो जैसे मैं बता रहा था लॉकडाउन के सिलसिले में बाज़ लोगों ने फतवा दिया है बाज़ लोग ये बता रहे हैं कि सदक़ा करना काफ़ी है नहीं जैसे मैंने कहार्बानी एक अदीम इबादत है और ये मुस्किल इबादत है इसका कोई नयल बदल तो दूर की बात उसका बदल भी नहीं सदक़ा उसका बदल नहीं हाँ ये सूरत हो सकती है कि अगर कोई कुरबानी देना चाहता है और वो पचास हज़ार बड़ी कीमत में दे रहा था तो कम से कम कीमत में जो है कुर्बानी दें दस हज़ार बीस हज़ार और बाया पैसे जो हैं अल्लाह के रास्ते में गरीबों में सदका करें मस्किनों मोहताजों में जो भी बेरोज़गार हैं इसी तरह जो वबा में मुब्तला हैं उनकी मदद के सिलसिले में खर्च करें इस तरह जो है हम करें और इसका वक्त हम जानते हैं कुरबानी का ईद की नमाज़ अदा करने के बाद से तेरा िजा के दिन जो है गुरूब शम्स सूरज गरूब होने तक इसका वक्त बाकी रहता है जिसकी जैसे सहूलत है और अफजल ये हैं कि ईद के दिन जो है वबा किया जाए जानवर ईद के दिन बँ करना अफ़ल हैं ज़्यादा आजर षवाब और जो कुर्बानी का इरादा करता है उसको चाहिए कि अभी आज जो है इंडिया के हिसाब से आज जो है सत्ताईस जो है ज़िलक़ायदा हैं अभी दो दिन में चाँद नज़र आ दो दिन या तीन दिन में चाँद नज़र आएगा तो चाँद नज़र आने के बाद जो भी कुरबानी का इरादा करता है वह अपने बाल और नाखुन ना काटें सही हदीस सही मुस्लिम के अल्लाह के नबी सासम ने कहादख़ल अलश्र जब ये दस रातें दाखिल हो जाएँ दस दिन व इंदोदिया व यद व युदहिया जिसके पास जानवर है और उसने इरादा किया है कुरबानी का अल्लाह के नबी सासम ने फरमाया उसको चाहिए कि वो अपने बाल और नाखुन जो है बाल ना काटे और नाखुन जो है ना तराशे और ये जो पाबंदी हैं सिर्फ घर के ज़िम्मेदार के लिए जो घर का सरपरस होता है बड़ा होता है घर का उसके लिए हर एक को जो है पाबंदी हर एक पर आयद नहीं होती अगर लोग बचना चाहें तो अच्छी बात है लेकिन पाबंदी ज़रूरी उस पर है जो कुर्बानी देता है जो घर का बड़ा ज़िम्मेदार होता है इसी तरह ज़वा़ करने के जो भी अहकाम हैं मसाइल हैं जानवरों की मुकम्मल उनकी रियायत करें उन पर रहम करम का मामला करें क़ुरबानी के सिलसिले इन शगले इतवार हम अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम उसके लिए मुस्तकिल दुरुस्त रखेंगे इनशाला और कुछ बयान हम आपके सामने पेश करेंगे इनशाला तो उसकी मुकम्मल पाबंदी करें ख़ास तौर से देखिए याद रखें याद रखें सफाई इस्लाम में जो है इसका बड़ा मकाम पाकि सफाई का बड़ा मकाम है अत्तरशतिमान ईमान आधा ईमान कहा गया पाकि सफाई को जहाँ हम जाहरी पा सफाई इस्लाम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बातिन पा के सफाई हमारी हो ज़ाहरी पा सफाई पर ज़ोर दिया गया आधा ईमान कहा गया तो क़ुरबानी के दिन ख़ास तौर से पा सफाई का मुकम्मल ख्याल करें हमारे घर पाक हों हमारी गलियाँ पाक हों हमारा माशरा जहाँ हम रहते हैं तो पड़ोसियों को तकलीफ़ ना दें ख़ास और तो गैर मुस्लिमों को एक बड़ी तादाद हमारे साथ रहती है गैर मुस्लिमों को एक अच्छा पैगाम इस्लाम का हम उन तक पहुँचाएँ और कुरबानी के गोश में उनको भी जो है शरीक करें कुर्बानी का गोश उनको भी शरीक करें लॉकडाउन के अयाम में जो ग़रीब हैं परेशान हैं बेरोजगार हैं उनकी मदद करें गोश भी जो है उनमें तकसीम करें इसी तरह देखिए असलाफ़ का क्या अमल रहा इन दिनों में असलाफ़ काफ़ी अल्लाह के नबी सा आसम खुद बहुत ज़्यादा पाबंदी करते थे और साहबा कराम ताबईन ताबीन तब ताबीन इसी तरह दीगर आज भी अल्लाह के नेक बंदे जो है काफ़ी पाबंदी करते हैं अब्दुल्ला उमर अबू हुरैरा हर रदील्ला तौन के बारे में आता है सही बुखारी में इमाम बुखारी ने नकल किया है कि आप दोनों बाजार चले जाते तकबीर ज़ोर से बुलंद करते आपको सुनकर आपको देख जो है तमाम लोग ज़ोर से जो है तकबीर बुलंद फरमाते थे इसी तरह उमर रदील्ल मीना के दिन में अपने खेमे से बाहर निकलते और कसरत से जो है बुलंद आवाज़ से तकबीरात बुलंद करते कि पूरे मीना में रहने वाले लोग बा आवाज बुलंद तकबीर कहते कि पूरा मीना का मैदान तकबीरात से गूंज जाता ये भी बुखारी की रिवायत है इसी तरह सईद बिन जुबैर इमाम दारमी रहमतुल्लाह आ नक़ल किया है सनंद दारमी में सईद बिन जुबैर अब्दुल्ला बिन अब्बास रत अल्लाह तुम के मशहूर शागिद हैं कि वो कसरत से जो है इबादत करते थे हद से ज़्यादा पूरी कोशिश करते हैं। अपनी पूरी ताकत जो जितनी ताकत अल्लाह ने दी है कसर से कुरान की तिलावत रोज़ों की पाबंदी तजद की पाबंदी और दीगर इबादत जो हैं जिसके बारे में हमने सुना कसर से जो है अंजाम दिया करते थे इसी तरह अबू उस्मान नहदी रम कहते हैं कि असलाफ़ हमारे असलाफ़ जो है हराम का पहला अशरा मुहर्रम का पहला अशरा ज़िलह का पहला अशरा और रमदान का आखिरी अशरा कसरत से जो है इबादत करते थे कसरत से जो है असलाफ क इबादत करते थे इन दिनों में कसरत से इबादत करके अल्लाह की खुशनुदियाँ हासिल करने की पूरी कोशिश जस्जु जो है करते थे आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताल जो आपको तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को इन दिनों को पाने की तौफीक अल्लाह नसीब फ़रमाएँ हमें अयाम नसीब फरमाएँ और कसरत से जो भी इबादतें हमने सुने जो नक अमाल हैं कसरत से जो है ना अमाल को अंजाम देने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँ अल्ला हमारी इबादतों में अखलास अदा फरमाएँ